हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई वाला पैटर्न लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 5 प्लस 2 एच के लिए लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 27 फंदे लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये 8 लाइनों का डिजाइन है, लेकिन 16 लाइनों में बनके कंप्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से ये डिजाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा 10 फंदों में डिजाइन शुरू हो रहा है। 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 फंदे हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, 1 2 3 4 5। एच के फंदे को छोड़ के यही 10 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस धागे को हमने ज़्यादा टाइट करके नहीं लेना है, नॉर्मल लेंगे। ऐसे करके हमने 5 फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, तीसरी रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाना है। यहाँ पे हमारी पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं रो सेम इसी तरीके से बनानी है हमने। तो अभी हमारी थर्ड रो है। पहले फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और 5 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। पहले फंदे को छोड़ के यहाँ तक हमारा एक डिजाइन है। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं डिजाइन को, 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 3 4 5। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में आते हैं डिजाइन की फोर्थ रो। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की फिफ्थ रो। फिफ्थ रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाना है। 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 3 4 5। और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 2 3 4 5। और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 4 5। फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह फिफ्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सिक्स रो। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब सिक्स रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की सेवंथ रो। पहले फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, सेम फर्स्ट रो की तरह बना रहे हैं हम। 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और 5 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 3 4 5। और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5।
और पांच फंदे हम स्लिप कर लेंगे, एक दो तीन चार पांच, और पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे हमारी सेवन्थ रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की एट्थ रो। अब फ्रेंड्स इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बैक साइड में एच के फंदे को छोड़ के पांच फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये धागे के बीच में हमारे पांच फंदे हैं जो हमने स्लिप किए थे, जिसमें कि बीच वाले फंदे को हमने, ये चार जो धागे दिखाई दे रहे हैं इनके साथ बुनना है। इधर के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इधर के भी दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये पांच में से शुरू के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो। अब ये हमारा बीच वाला फंदा है। अब हमने क्या करना है, चार धागों को ऐसे लेंगे, राइट हैंड के नीडल से ऐसे ले लेंगे, उसके बाद इन चारों धागों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब ये चार धागे और ये बीच वाला फंदा, पांचों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो। देखिएगा फ्रेंड्स ऐसे। अब ये बीच में जो पांच फंदे हमारे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, एक दो तीन चार पांच। अब फिर से हमारे वो पांच फंदे आ गए हैं जो हमने स्लिप किए थे। जो बीच वाला फंदा है इसको हमने इन चार धागों के साथ बुनना है। तो हमने दो फंदे इधर के उल्टे बुनने हैं और इधर वाले दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो। अब ये बीच वाला फंदा है इसको हमने चार धागों के साथ बुनना है। चार धागों को ऐसे ले लेंगे सिलाई पे। अब इन चारों धागों को हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब ये चार धागे और ये बीच वाला फंदा, पांचों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो। अब ये पांच फंदे जो उल्टे बुने थे इधर हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पे एट्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आधा डिजाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमने सेम बनाना ऐसे ही है, बस डिजाइन बनाने की जगह चेंज हो जाएगी। ये वाला डिजाइन हमारे यहाँ पे आएगा और ये वाला डिजाइन हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब डिजाइन के नाइन्थ रो है। सबसे पहले फंदे को आप स्लिप कर लीजिए, बुन लीजिए। मैं स्लिप कर लेती हूँ। जब हमने फर्स्ट रो स्टार्ट की थी तो एच के फंदे के बाद हमने पांच फंदे उल्टे बुने थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एच के फंदे को स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ लाएंगे, अब पांच फंदे हम उतारेंगे, इनको बुनेंगे नहीं, एक दो तीन चार पांच। अब ये पांच फंदे हमने स्लिप कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने पांच फंदों को उल्टा बुनना है। इस धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये जो जहाँ पे हमने पहले पांच फंदे उल्टे बुने थे, अब यहाँ पे हमने पांच फंदों को स्लिप करना है। अब पांच फंदे हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे हमने पांच फंदे स्लिप किए थे पहले, अब यहाँ पे हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब पांच फंदे हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार पांच। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह डिजाइन के नाइन्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह डिजाइन की टेंथ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में।
डिज़ाइन के 11th रो। पहले फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। अब 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह डिज़ाइन की 11th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की 12th रो। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह 12th रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की 13th रो। सबसे पहले एच के फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करके 5 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से 13 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की 14 रो। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस तरह 14 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिज़ाइन की 15 रो। पहले फंदे को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस धागे को हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना है फ्रेंड्स, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे हम स्लिप कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 15 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब बैक साइड के रो को हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने 8th रो को बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, ये एच का फंदा है और बीच में हमारे 5 फंदे हैं जिनको हमने स्लिप किया था। तो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, बीच वाले फंदे को हमने 4 धागों के साथ बुनना है, फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2। अब ये हमारा बीच वाला फंदा है। राइट हैंड के निडल से हमने 4 धागों को ऐसे लेना है, वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे 4 धागों को ऐसे ले लेंगे। ये 4 धागे और ये बीच वाला फंदा, 5 को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2। अब इधर जो 5 फंदे हमने उल्टे बुने थे, इधर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये फिर से हमारे 5 फंदे आ गए हैं धागे के अंदर जो हमने स्लिप किए थे। तो 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पहले बीच वाले फंदे को हमने 4 धागों के साथ बुनना है, बाद में 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। अब ये बीच वाला फंदा है। अब हमने राइट हैंड के निडल से 4 धागों को ऐसे ले लेंगे, उन 4 धागों को लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे हम और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब ये 4 धागे और ये बीच वाला फंदा, 5 को एक साथ हमने उल्टा बुनना है, फिर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2। अब ये 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
अब ये फिर से हमारे पांच फंदे आ गए हैं जो हमने स्लिप किए थे, जिसमें शुरू के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो। अब ये बीच वाला फंदा है, इसको हमने चार धागों के साथ बुनना है। चारों धागों को मैंने राइट हैंड के निडल पे ऐसे ले लिया है, इन चारों धागों को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब ये चार धागे और ये बीच वाला फंदा, पांचों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो, और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमारे 16 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 16 लाइनें बना ली हैं, इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 16 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है तो डिजाइन बन के आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, बहुत ही आसान है। डिजाइन लंबा जरूर है लेकिन फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 16 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह से नजर आएगा। खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड्स। इस डिजाइन को बच्चों के फ्रॉक में, बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।